हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट यूनिट नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक का बेसिक सिलेबस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। सो नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक, अगर आप एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में मिलेगा। ये सिलेबस जो है परसू रायपुर छत्तीसगढ़ दुर्ग यूनिवर्सिटी एंड बस्टर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। अगर आप इन यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग आपको ये सिलेबस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दूसरे यूनिट में या दूसरे सेमेस्टर में हो सकता है। लेकिन अगर आप परसू रायपुर छत्तीसगढ़ दुर्ग यूनिवर्सिटी एंड बस्तर यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो आपको ये आपके एमएससी फोर सेमेस्टर के फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में मिलेगा। सो नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इस यूनिट में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका जो बेसिक प्रोडक्शन है ये पढ़ना होगा। इसके अलावा फोर्सेस एंड फ्लक्सेस, एंट्रोपी प्रोडक्शंस, पोस्टुलेट ऑफ इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक। इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक को ही कहा जाता है। सो इसके पोस्टुलेट पढ़ने होंगे, प्रीगोगिंस प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम एंट्रोपी प्रोडक्शंस एंड फिनोमिनोलॉजिकल लॉ एंड ऑनसागर रेसिप्रोकल रिलेशन। इसके अलावा जो सातवां टॉपिक है दैट इज कपल्ड एंड नॉन कपल्ड रिएक्शंस। इसके अलावा आपको इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक में डिफरेंस पढ़ने होंगे। सो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं आपके एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक यूनिट से। ओके, सो ये बेसिक सिलेबस है। अब पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे हम जनरली 2018, 2019 एंड 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सो आपको इसका जो है बेसिक एग्जामिनेशन पैटर्न पता होगा। अगर आप इन यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो जनरली एक यूनिट से आपको जो है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 5 मार्क्स के जो है 1 क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो ये जो यूनिट है इसमें आप सिलेबस में देख सकते हैं कि कम टॉपिक ही आपको कवर करने होंगे। सो 2 मार्क्स के लिए जो है आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इस यूनिट से जनरली कभी कभी 1-1 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक ये है कि आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 4 यूनिट आपको कवर करने होते हैं। सो चारों यूनिट में से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। टोटल 80 नंबर का आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होता है। ये पहला यूनिट है तो इससे आपको जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन एंड 5 नंबर के 1 क्वेश्चन एंड 5 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे 2018 की बात करें तो यहाँ पे 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक। 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक। इसके अलावा फिनोमिनोलॉजिकल लॉ एंड ऑन सागर इक्वेशन, ये जो रिलेशन है ये पूछा गया था फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, ये एक्सप्लेन करना था। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2019 में आपको 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक। सो अगर आप इसका पोस्टुलेट पढ़ते हैं तो इसका बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन तो आप इसको लिख सकते हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, गिव फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आप जो है नॉन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक में डिफरेंस जो है इसका लिख सकते हैं। इस प्रकार 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन ऑन सागर लॉ फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम अंडर नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो ये ऑन सागर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी फिनोमिनोलॉजिकल लॉ एंड ऑन सागर का रिलेशन समझाना था बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। सेम टाइप से कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंट करके पूछा गया है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा 2020 के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, राइट 1 पोस्टुलेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कपल्ड रिएक्शन एंड नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक, ठीक है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीगोगिंस प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम एंट्रोपी प्रोडक्शंस इन नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सिलेबस का जो आप देख रहे हैं टॉपिक्स, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स, ये इन सिलेबस के ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। सो 2020 में 5 मार्क्स में जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जनरली दोनों में से कोई एक आपको बनाने होते हैं, मतलब ये अथवा में रहता है। तो पहला क्वेश्चन वही ऑन सागर फिनोमिनोलॉजिकल लॉ पूछा गया था ऑन सागर इक्वेशन का। इसके अलावा डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक
टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम एंड एनर्जेटिक ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ये नॉन इक्विलिब्रियम ट्रांसपोर्ट का एप्लीकेशन है, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम के लिए। सो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछा गया था। मतलब यहाँ पे आप जनरली इस पेपर के एनालिसिस से ये समझ सकते हैं कि जो ऑनसागर इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिनोमिनोलॉजिकल लॉ है ऑनसागर इक्वेशन का, दोनों में जो रिलेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लॉ एंड ऑनसागर रेसिप्रोकल रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। एंड इसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी सिलेबस में आपके जितने टॉपिक्स हैं इसको आप कवर कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसके आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी कवर हो जाएंगे, पास्टर के क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका बेसिक सिलेबस एंड जो बेसिक क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला है रिटन नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक का, जिसमें आपको इन सभी टॉपिक्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिल जाएंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दिस पीडीएफ स्टोर। आप इंडिविजुअल ये यूनिट ले सकते हैं, अगर आपको 4 सेमेस्टर के सभी टॉपिक्स सभी यूनिट के सभी टॉपिक्स चाहिए तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ले सकते हैं, आपके सुविधा के अनुसार आप पीडीएफ ले सकते हैं अगर आपको आपको नीड है तो। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दिस पीडीएफ स्टोर। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।